hello sattabai welcome to the asterix show hello bye thank you for having me here so recently have video a video so how was the experience of getting viral mm. it's a very mixed uh, experience because when you upload something you do not know that you, whether you will attain virality or not <laughs> because sometimes internet works in uh, mysterious ways especially social media so the first time i uh, uploaded the video so i was very unsure because, as such, a lot of comics, fellow comics were uploading and they were not getting as much response. But then, uh, I am glad that uh, the short uh, video format, real, that went viral. So, that attracted a lot of people to my YouTube video, which very rarely happens. And uh, then I became a meme material. So, yeah, all in all, it is a very mixed experience. I am still digesting it. Uh, this we've we have been doing stand up for about 6, 7 years now. So.

तो वो कोई और पेज भी डाला है अपना अपना एडिट वेडिट लगा के कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के उसकी ज़्यादा वायरल चली गई यार गाना वाना डाल दिया उसने बीच में उड़ीसा वाला जो रील है मेरा तो उसमें अच्छा ही लगता है कि देखो इट डजेंट मैटर हु अपलोड सेट इफ़ यू आर ऑन द स्क्रीन पीपल आर वॉचिंग यू सो आई एम लाइक हैप्पी उसने क्रेडिट भी दिया हुआ है सो आई एम लाइक फाइन कॉमेडी का जर्नी साढ़े छः साल सात साल पहले मेरे को लगा कि यूट्यूब पे कुछ चार पाँच वरिष्ठ कमेडियंस को देख कर मुझे लगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ और ये मैं करता हूँ अपने दोस्तों के बीच में तो इसको जाके मुझे स्टेज पर करना चाहिए थोड़ा प्रोफेशनली करना चाहिए दटसाओ आई हिट ओपन मैक्स मैन आई हिट ओपन मैक्स आई रियलाइज दैट आई एम काइंड ऑफ गुड एट सो देस विद द हेल्प ऑफ अदर कमेडियंस डेली मुंबई कलकटा I took help from them, took guidance from them, and then I started the scene here. And that's how Comedy Highway came into existence. And it has been that way. Like More people. Started in back in 2016, right? And right now it's 2023. अभी अगर कोई start कर रहा है उसके लिए कितना better है? बहुत better है यार, बहुत better है. Exponential e to the power x. क्योंकि अब कितने resources हैं? आपके पास data ही कितना था 2016 में? दो हजार सोलह में आपको पता है आप पैसा दे के इंटरनेट इस्तेमाल करते थे क्योंकि तब जियो नहीं था जियो छोड़ो यार नॉर्मल थ्री जी बड़ी बात होती थी, थी है ना तो आप किसी को इंटरनेट अब जैसे मान लो विश्व कल्याण रात जाकिर खान ये जो सारे कमेडियंस थे इनकी वीडियो देख के हम पले बड़े हैं या फिर ट्रेन हुए हैं एक टाइप से बोल सकते हैं क्योंकि उस टाइम के तो यही लोग सब थे निशांत तनवर इनकी वीडियो जब आप जाके देखते हो आठ मिनट नौ मिनट अपना बर्बाद करते हो आप आप बेसिकली पैसा दे के देख रहे हो क्योंकि डेटा वाज कॉस्टली बैक देन राइट आप डेटा ऑफ़ कर देते थे आज कितने लोग मोबाइल डेटा ऑफ करते हैं कोई नहीं करता फोकट है दो जी बी दिया है दिन का है ना इतना उड़ाने उड़ा उडा। तो आप मोबाइल डेटा ऑफ कर देते थे कि तब अट्ठाइस एम होती थी आपके पास तो ऐसे में जब आप किसी कमेडियन को देखते हो तो आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि यार इसकी शक्ल तो मैं याद रख लिया कि अब मेरे को किसी ट्रेन में भी दिख जाए तो मैं पहचान जाऊंगा आज आप देखें कितने सारे स्टैंड अप कमेडियन हैं जितने सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं यहाँ पे, आई थिंक छः सौ सात सौ वीडियोज़ हैं इंटरनेट पर अभी आज के ज़माने में इंडियन स्टैंड सीन से किसी को आप अब दस लोगों को ही पहचान पाओगे आपके सामने से कोई गुजर जाएगा आप पहचान नहीं पाओगे है ना सो दैट इज़ डेटा यू हैव सो मैनी पीपल टू सी एंड लर्न के वाट टू डू सो मैनी वीडियोज़ दैट विल टेल यू वाट नॉट टू डू इन कॉमेडी ठीक है कुछ बहुत ही ऐसा कुछ कर दिया जो नहीं करना चाहिए तो आप उससे भी सीखते हो लॉट ऑफ डेटा इज देयर टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट द राइट फॉर्म ऑफ कॉमेडी दैट वर्क्स फॉर यू अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स भुवनेश्वर सीन में तो लेटली देर बिन लॉट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रॉपर कॉमेडी क्लब द स्पेस तो यहाँ पे तो शोज होते ही रहते हैं हर वीकेंड बाहर से कमेडियन आने लग गए पहले ऐसा नहीं होता था बाहर से कमेडियन नहीं आते थे बोलते थे कलकत्ता मुंबई दिल्ली करके चले जाएंगे भुवनेश्वर में कहाँ टिकट बिक रहा है गरीब ठीक है वो अब वो लोग ख़ुद ही कॉल करके बोल रहे हैं कि यार शो डालते हैं ना यार तुम्हारे यहाँ से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं हमको सो यहाँ उनके लिए भी फ़ायदेमंद है नए लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि अब डेडिकेटेड स्पेस है पहले हमारे जमाने में हम ओपन मैक्स करते थे तो हमको कैफेज़ में जाके बोलना पड़ता था सर हम यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे हमको जोक्स बोलने दीजिए जो जाकिर भाई और निशान तनवर उसके उनके ज़माने में

क्योंकि लोग बोलते हैं कॉमेडी सिखाया जा सकता है सो so, स्टार्टअप अभी बंद हो गया उसमें मैं भी एज अ फैकल्टी फ्रंट रो row, हाँ तो उसमें मैं भी एज अ फैकल्टी था मैं वर्कशॉप्स ले रहा था बट ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि, कि किसी को आप सिखा नहीं सकते वो फनी हो फ़नी होना सबसे पहला तो ये है कि आप फनी हो हो जाओ नहीं हो पा रहे हो तो तो वो तो फंडामेंटली वहीं पर प्राइमरी स्टेप पर आप गलत हो ना कि आप फ़नी नहीं ह्यूमरस नहीं हो दूसरी चीज़ जब राइटिंग की बात आती है जैसे मैं पर्सनली मेरा अलग है जाकिर भाई जैसे स्टोरी टेलिंग कर मेरा अलग है मैं पंचलाइन पहले लिखता हूँ सबसे मेन क्लाइमैक्स पहले लिखता हूँ और फिर मैं उसको बैक ट्रेस करता हूँ कि ओके okay, ये बढ़िया मज़ेदार पार्ट है इसके पहले क्या हुआ होगा कि इस कंक्लूजन पर पहुंचा होगा ये स्टोरी जाकिर भाई अपना स्टोरी टेलिंग करते हैं बस ही कैरेक्टर बिल्ड करता है अब अब्दुल है ना और एक कोई और बंदा था जो उसका रूममेट था हाँ तो वो कैरेक्टर और इन्वेरमेंट क्रिएट करता है वो एक बेहतरीन टाइप का स्टोरी टेलिंग है जहाँ पे तो वो आपको हाँ लेके ही चल रहा है एक जर्नी पे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग फॉर्मेट है तो ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है या या टिल टिल डेट डेट ओपन माइक जाकिर भाई कुछ भी नहीं है कितने गए ओपन मैक्स होते ही गंदे जाने के लिए क्योंकि आप तो घर से लिख के गए हो ओपन में एक अच्छा चला गया तो खुश होकर नहीं सो जाना घर पे और बेहतर करना है क्योंकि ओपन मैक में एक तो ऑडियंस कम होती है क्योंकि ऑडियंस को भी पता है कि सौ रुपये की टिकट है तो क्या ही होगा और बहुत सारे न्यू कमर्स होते हैं तो इवन जो न्यू कमर्स होते हैं उनको फर्स्ट टाइम रहता है तो उतना फनीनेस का आइडिया नहीं रहता है तो ऑडियंस को लगता है कि ये क्या बोल रहा है यार ऐसे ही जाने वाला है क्या पूरा शो इसलिए एक होस्ट होता है जो थोड़ा हेडलाइनिंग एक्ट टाइप का होता है कई बार मैं होस्ट करता हूँ दीवार होस्ट करता है जो भी हमारे सीन के लोकल कॉमिक्स हैं जो थोड़े सीनियर हैं वो लोग होस्ट कर लेते हैं ताकि वो माइक उतना ख़राब ना जाए बट माइक तो, तो खराब जाने के लिए इंटेलिजेंट बिकॉज इन दैट रूम नॉट जस्ट द परफॉर्मर बट द कंज्यूमर ऑफ द कॉन्टेंट

क्योंकि आपका कोई भी आर्ट फॉर्म आप देखें दूसरा जो स्टेज आर्ट फॉर्म है एंड में तालियां बजती है स्टैंड अप इकला होता है जो डायनेमिकली बज रहा होता है तो so आपको भी पता चलता है कि ओ यहाँ अच्छा है यहाँ पर शांत हो गई ऑडियंस मतलब यहाँ गंदा है सो यू टेक बैक इंस्टेंट फीडबैक सो दैट वे इट्स डिफरेंट एंड टफ ऑल्सो So building this community in ghumneshwar basically right what are the go growth perspective you see from here in the space What can Mo money do? wise everything like building the community growing it and money with us money wise to abhi theek hi hai abhi toh people are instead of calling shayars poets dancers for their cultural activities they are preferring stand up comedy so we get money and from community building wise कम्युनिटी बिल्डिंग अगर आप वैसे बोलेंगे तो इट्स अ वेरी टाइट सीन वी हैव ओनली 15 16 पीपल इन भुवनेश्वर डूइंग स्टैंड अप सो आई व्हेन आई स्टार्टेड वी वर जस्ट फोर पीपल तो मैं तो ऐसे देख के चल रहा हूँ कि चार गुना बढ़ गया है है ना और नए लोग आते जाते हैं कुछ लोग आते हैं उनसे काम नहीं बनता मतलब मे बी होते फन नहीं होते फिर वो गिव अप कर जाते हैं पर स्टैंड अप अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसको सबसे पहले तो दो महीने गंदा जाना ही पड़ेगा और उसको विद स्टैंड करना पड़ेगा विथ स्टैंड फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंटि हाँ हम लोगों का भी इतना ख़राब गया ना भाई तो मगर मेरा 2016 का वीडियो अभी व्हाट्सएप का सेंट में आप देखना जब आप डेटा मेमोरी कार्ड से निकालते हो तो मेरे सेंट में कुछ कुछ क्लिप्स मैं ऐसे खोल के देख रहा होता हूँ जब मैं जॉब करता था पुणे में वहाँ पे ओपन मैक्स करता था मैं कह रहा इतना ख़राब तो मैं खुद को ब्लैक लिस्ट कर देता बढ़िया yeah, ग्रोथ वैसे ही होता है ही है मतलब उड ऑलरेडी हाइपडअप होती है देअ जस्ट है ना वो बोलती कह रहे आ गया वाई है ना तो इतना जोक्स पर मेरिट से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी का मेरिट होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज यू आर दिन द कॉलेज शो बट ऑफकोर्स फिर कॉन्टेंट का भी रेस्ट्रिक्शन थोड़ा रहता है तो मिक्स एक्सपीरियंस है अब तो मज़ा नहीं आ रहा उतना कॉलेज शोज में मतलब मैं करूँगा कॉलेज शोज बट अब ज्यादा वाइब क्लब शोज़ में वगैरह में आ रही है जहाँ पर मुझे थोड़ी uh, क्या क्या कह सकते हैं उसको एम्प्लॉयड जनता है ना सर्विस वाली जनता मुझे मिल रही है जनता, जनता मिल रही है तो है ना तो उसमें ज़्यादा मजेदार बिकॉज दे नो अ लॉट एंड दे आर मोर फर्स्ट स्टूडेंट्स जस्ट थिंक दे आर फर्स्टेटेड उनका लाइफ बहुत चिले भाई वो जब जॉब करेंगे तब उनको पता चलेगा फिर जब पाँच सौ रुपये दे के आएंगे मेरे शो पे देखने तो वो खुद ढूंढेंगे कि क्या फनी है उधर आपका जॉब एक्सपीरियंस कैसा खराब मेरा ऐसी ट्राइंग टू डू मैं मैं तो जो मेरा पहला जॉब था पुणे में आफ्टर माय बीटेक माई बी चिल आई हैड नाइट शिफ्ट सो आई यूज्ड टू गो फॉर ओपन मैक्स फिर रात को डिनर करके वहीं वहीं सीधे ऑफिस चले जाता था यूएस क्लाइंट था अपना तो रा, रात को दस बजे से लेकर सुबह छः बजे तक का शिफ्ट फिर उसके बाद घड़ियाल की तरह मगरमच्छ की तरह लेटर हो घर पर वापस आके रूम में तो ऐसा रूटीन था फिर उठो आराम से लंच वंच करो थोड़ा कुछ लिखो और फिर शाम को ओपन मैक्स जाओ तो ये रेगुलर प्रोसेस हो गया था सिस्टमेटिक हो गया था बट नॉट अ ग्रेट लाइफ बिकॉज फिर आपकी सोशल लाइफ ख़राब हो जाती है क्योंकि आप तब जागे हुए जब पूरी दुनिया सो रही है और आप तब सो रहे हो जब पूरी दुनिया काम कर रही है डॉक्टर आजकल तो ट्रेंड में हो गया तब उतना नहीं था बट देसर आई डिमी एंड पे ऑल्सो बैड वर्क कल्चर बिकॉज आई कूड गो अपन स्टेज ओनली इन द इन कपल ऑफ्सर इन द इन बैंक तो आई वॉज लाइक इट्सिंक आई हैव दोटेंसी टू अर्न इक्वी वैलेंटली इन कॉमेडी दैट्स वाई आई क्विट डि विच वन जाकिर टू मैनीशन का इम्पैक्ट है क्योंकि लोकेशन से डिमांड वो होता है ना प्रेडिक्ट होता है जहां ज्यादा डिमांड है वहां पे कॉमेडियन जल्दी ग्रो करके जल्दी शोज कर रहे हैं

क्योंकि जोक तो सबको टेस्ट करना था कैसे करेगा कोविड में हम ही सहारा थे सप्लाई डिमांड तो ये कॉलेज शूज में कभी ऐसा हुआ है कि गंदा जोक मार दिया और फिर बाहर आके दो तीन लॉन्टे बोल रहे हैं कितना गंदा जोक मारा मारेंगे पकड़ यार ऐसा जरूर हुआ है कि डीएम्स आए हैं कि सर हमने इतना आपको बोल के भेजा था ये वाले फैकल्टी की बजाओ आपने अच्छे वाले फैकल्टी की बजा दी ये वो है तो तो बट तो ऐसा कभी नहीं हुआ है फैकल्टी की बजाने के लिए हाँ हाँ हा, एक्स्ट्रा। वो तो ग्रीन रूम में एक्स्ट्रा मिलते हैं मेरे को कि सर फैकल्टी आई है मैंने कहा मैंने मना किया था फैकल्टी बुल्ला ने तो कह रहे नहीं सर अब आ गई है तो बजा ही दो उनकी और मजा आता है वही कॉलेज शो में एक फन पार्ट तुम जो पूछ रहे थे ना तो वो ये है कि कॉलेज शोज में फैकल्टी की बजाने मिलती है कोचार को पता नहीं हो रहा था वो मुझे किस चीज़ के लिए पैसे दे रहा होता है मैं ऐसा पलट जाता हूँ ना स्टेज पे जाके फिर बेचारा एच सोचता है गलत किया मैंने अपने साथ गलत किया सबको मजा तो आता है क्योंकि सब एच आर खुन्नस रहता है सबसे ज़्यादा बेसिकली सारा मिटाने के लिए ही एक्टिविटी कर रहा कि, और देखे वो जाके पे उनकी पिल रही है खत्म हो रहे हैं वो लोग रंगोली की जगह खून से बना रहे हैं अपने What is one of the bad, uh, worst वो you... सी, सी शोज तो बहुत खराब बहुत खराब गए हैं सो देर वॉज दिस कैफे स्लैश क्लब वेर आई वॉज सपोज टू परफॉर्म इन तो टिकट्स जो बिक गई थी तो कैफे क्लब्स में क्या होता है ना आपको ऐसा थिएटर सीट अप नहीं मिलता है आपको वैसे स्कैटर्ड सा सीटिंग रहता है उनको लगता है कॉमेडी हो जाएगी वहाँ पे और पैसे अच्छे खासे दे रहे होते तो मैं अपना ईमान बेच के चले जाता हूँ और टिकट्स बिक भी, भी गई थी कुछ कुछ इसकी वजह से कि लोग आए हुए थे बट वो स्कैटर्ड बैठे थे जो मेरे फैंस थे तो जो मेरे पास वाला जो टेबल्स थे उसमें जो वॉक इन ऑडियंस जो रहती है वो बैठी हुई थी तो वो कोई फैमिली थी बच्चा वच्चा लेके आई थी और लगातार हैकल कर रही थी लगातार तो उनके चक्कर में वो पूरा शो खराब हुआ जस्ट बिकॉज वो एक टेबल था मेरा ओपनिंग एक्ट था वो भी हैंडल नहीं कर पाया उनको क्योंकि वो बके जा रहे थे

After Devachan came. Uh, after the, the by the time Devachan came, we had formed comedy. Highway. I had formed comedy highway, but it was a very select number of people, four five people. Then Devachan got added there, and then now the community is big enough to hold sixteen to seventeen people in as a as a collective. And good experiences, <laughs> I got a text after a show that I uh, was feeling suicidal and all. Some girl, and uh, I thought ki kya karu kya karu. I was about to self harm, but I was like I wanted to see your show once. So, so I'm so happy that I'm not uh, depressed anymore. ये एक घंटा आपने जो हंसा है और शो भी एक्चुअली उस दिन बहुत अच्छा गया था One of those shows जो मैं खुद बोलता हूँ कि अच्छा गया था और usually मैं नहीं बोलता हूँ मैं एवरेज बोलता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप किसी को इतना वो कर लेते हो कि वो सेल्फ हार्म नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार मेंटल ट्रॉमा के आप रेमेडी बनते हो या इलाज बनते हो टेम्पररी ही सही क्योंकि कोई आता है ना आपके शो में दुखी आदमी ही आता है ये खुशी से कोई कॉमेडी देखने नहीं आएगा अगर कोई आदमी खुश है वो यूट्यूब पर ही देख के खुश है कोई आ रहा है तो उसको कुछ तो है प्रॉब्लम या तो काफ़ी अच्छा लगता है कि वो क्योर टू देर सोरोज या

वॉइस आप फाइंड कैसे करोगे आप कंफर्टेबल कैसे होगे स्टेज पे तो मुझे बहुत टाइम लग गया अपना ओरिजिनल एक्सेंट जो भी जैसे भी मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे जैसे मैं स्टेज पे बात करता हूँ वो बनने में ही बहुत टाइम लग गया आपको लग रहा है ना दिस इज द ट्रू सेल्फ ऐसे ही मैं बात करता हूँ करके गलत आपने घर पर देखा ही नहीं मुझे ये तो वो कैरेक्टर है जो मैं स्टेज पर लेकर आता हूँ या फिर मैं कॉन्शियस मैं दिस इज माई कॉन्शियस सेल्फ ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ अपने दोस्तों के साथ या फिर मैं बहुत अलग हूँ और वो अलग कैरेक्टर बनने में ही मेहनत लगा छः साल का मेहनत सर छः साल का मेहनत यही है कि मुझे वक्त लगा उससे ऐसे शिफ्ट होने को लाइकेबल पर्सनैलिटी और हाउ आई वांट टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ ऑन स्टेज वो सक्सेसफुल प्रोजेक्शन में टाइम लग जाता है मतलब हर कोई दो दो तीन जरूरी नहीं है जैसे बस्सी भाई बाहर भी वैसे हैं अंदर भी वैसे ही है।, है ना छः सात और कमेडियस हैं जो जैसे स्टेज पे हैं क्योंकि वो और चल रहा है उनका जो उनका जो फर्स्ट ड्राफ्ट और है वो चल रहा है उनका तो चल रहा है क्यों चेंज करूँ लोगों को यही पसंद आ रहा है जिसमें नहीं आ रहा वो चेंज कर या फिर इसे ख़ुद को नहीं लग रहा कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ अपने ऑडियंस को ये सेल्फ दिखाकर अपना फिर ये वॉइस कहते हैं उसको ना आपको अपनी वॉइस ढूंढने में टाइम लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ क्या मैं पॉलिटिकल कॉमेडी करना चाहूँ मैं डार्क कॉमेडी करना चाहता हूँ ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करना चाहता हूँ वो आप सब कुछ करोगे तब तो आप जानोगे ना कि आप क्या करना चाहते हो वो ही करने के लिए आपको ओपन माइक करना पड़ेगा तो टाइम तो आपका फेवरेट डार्क फेवरेट फेवरेट। पसंद है पर आ, मेरा स्ट्रेंथ नहीं है नहीं ना मेरा स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन है स्टोरी टेलिंग है मेरा स्ट्रेंथ क्राउड वर्क भी है है ना डार्क रिस्की होता है बट अगर आप किसी को बता दो कि डेडिकेटेडली ये डार्क शो है तो वो आएगा उसी माइंड से तो बहुत बढ़िया जाता है डार्क शो रिसेंटली और काफ़ी अच्छा गया था सो या देर इज ऑडियंस फॉर दैट देट रख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो, है। नेक्स वीडियो अगले महीने आने वाला है Uh, yeah. Like a new set, Completely or like new set. It's a short story of स्टोरी minutes about uh, about love bites. Yeah, that is the uh, the topic of uh, concern. लव बाइट्स मेरा एक जॉक है उसमें मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि निशान मुझे नहीं पता था निशान रह जाता है क्योंकि इफ़ लव इज अ केमिस्ट्री देन ही इज द केमिकल रेसिड्यू सो लाइक अह वी हैव ओपन फॉर जकिर खान इवन एज विद हशुरला आई गेस उन सब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस करा था बहुत मजेदार क्योंकि ये लोग वो हैं जो लोगों ने ओपन माइक्स कर कर के कर कर के है ना अपने आप को आज वहाँ खड़ा किया जहाँ वह है तो इनके आजूबाजू बैठना इनसे काम सीखना अपने आप में ही एक बड़ी बात है कि आपको वो ऑपर्चुनिटी मिल रहा है है ना तो मैं तो मैं काफी वो रहता हूं उबलाइज रहता हूँ और काफ़ी है ना सहमा सहमा सा रहता हूँ इन लोगों के आजू बाजू है ना ये लोग काफ़ी अच्छा ट्रीट करते हैं हम जूनियर कॉमिक्स को है ना जूनियर कॉमिक्स पहले जूनियर कॉमिक था अब तो उतना नहीं हो बट जो जूनियर कॉमिक्स इनके साथ काम करते हैं उनके साथ, इनके साथ, इनके साथ इनके बड़ा काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि आपको पता है कि वो उस बाहर कैसे दिखते हैं आप स्टेज पर कैसे दिखते हैं अब आप जब उनके साथ काम करते हो ग्रीन रूम में आपको पता चलता है कि वो पीछे कैसे दिख रहे हैं क्या कर रहे हैं कैसे रियाज़ कर रहे हैं

Wait for more videos to come out and more virality. Robot